today I am going to take a topic from operation research, that is transportation. But before that, I will tell you something about linear programming. So, in a linear programming, any organization, their main objective is either for profit maximization or sales maximization or cost minimization. So their first objective is maximization. If it is a maximization, it will be either profit or sales. This is the objective. This is the objective of any organization. It will be either profit maximization or sales maximization, or it will be minimization of cost. Then, after setting the objective, the organization looks for the constraints or the limitations. What are limitations? They are there. Limitations का मतलब होता है कि जैसे एक घर बन रहा है, घर बन रहा है तो हमारे limitations क्या क्या हो सकते हैं? Raw materials का limitation हो सकते हैं, labor का limitation हो सकता है, यदि एक industry है या factory है तो labor का problem हो सकता है, machine का problem हो सकता है, है कि नहीं? So this is what is constraints for. Constraints का मतलब होता है limitations. कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन. तो लिमिटेशन हम क्या क्या मतलब है? रॉ मटेरियल का भी लिमिटेशन हो सकता है, देन मशीन का लिमिटेशन हो सकता है. मशीन का लिमिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी मशीन कुछ एक पर्टिकुलर समय तक काम कर सकता है. लेबर जैसे लेबर का लिमिटेशन बोल रहा हूँ. लेबर क्या एक बार एक एम्प्लॉय कितने देर तक काम कर सकता है? 8 hours, 10 hours, उससे अधिक वो कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकता. वैसे एक मशीन भी कंटिन्यूअसली 10 घंटा 12 घंटा एक लिमिटेशन होता है. इससे मैं लिमिटेशन बढ़ा हूँ, ठीक है. रॉ मटेरियल भी एक समय तक रहता है ना, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जो भी. तो वैसी लेबर. सो फर्स्ट वी विल सेट द ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको क्या क्या करना है? प्रॉफिट करना है या कॉस्ट को कम करना है ना, वो तय करना. देन उसके बाद हम ढूंढते हैं कि हमारा लिमिटेशंस क्या है. लिमिटेशंस में क्या है? हमारे पास क्या क्या चीज की लिमिटेशंस हो सकती है? रॉ मटेरियल की, मशीन की, लेबर की. एंड लास्ट वर्ड इज नॉन नेगेटिविटी कंडीशन करके बोलते हैं. नॉट नेगेटिविटी कंडीशन का मतलब होता है कि हम जो भी वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रोडक्ट बन, ए और बी, दो बल्ब बन रहे, प्रोडक्ट टाइप ए बल्ब, टाइप बी बल्ब, है ना. दोनों बल्ब को जैसे कितने नंबर ऑफ बल्ब बन रहे हैं मुझे मालूम नहीं है. शुरू में जब मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मुझे पता नहीं कि एक दिन का प्रोडक्शन क्या है. तो मैं वहां पर शुरुआत में जब सपोज करता हूँ लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप ए बल्ब एंड वाई बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप बी बल्ब. ये हम शुरुआत में आप सपोज करते हैं. तो ये मेरे वेरिएबल्स हुए एक्स और वाई. तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन ये बोलता है कि हम जो भी वेरिएबल लेते हैं, आइदर एक्स वाई, एक्स वन एक्स टू, वाई वन वाई टू, वाई थ्री, जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट वॉन्ट बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, जैसे दो बल्ब बन रहे हैं टाइप ए बल्ब, टाइप बी बल्ब, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टाइप ए बल्ब बनाना मैं बंद कर दूं, दैट विल बी जीरो. एक वेरिएबल जीरो हो सकता है बट इट कांट बी नेगेटिव. नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इसलिए नॉन नेगेटिविटी कंडीशन ये बोलता है कि व्हाटएवर वेरिएबल यू आर टेकिंग, एक्स वाई जेड, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. इट कैन बी जीरो एंड इट विल बी पॉजिटिव बट इट वॉन्ट बी नेगेटिव. तो ये जो फॉर्मेट है दैट इज ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन.
इस फॉर्मेट को अपन बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी बोलते हैं। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, इस फॉर्मेट को एलपीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एलपीपी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसमें से एक टाइप है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैं पढ़ा देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सो देयर इज अ फॉर्मेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। दिस इज द सोर्स फ्रॉम टू, दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जहां पे हमको सामान को पहुंचाना है, सोर्स मतलब जहां से सामान को भेज एबीसी। एबीसी मतलब ये हो सकता है रायपुर, भिलाई, कोरबा, कहीं है ना, और यहां देखते डीई है। और यहां पे आता सप्लाई, यहां आता फॉर्मेट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये फॉर्मेट, यहाँ सोर्स रहता है, यहाँ डेस्टिनेशन रहता है, और राइट हैंड साइड टॉप में अपन सप्लाई लिखते हैं, नीचे डिमांड। डिमांड और सप्लाई समझ लो, डिमांड कम्स फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से हमको डिमांड आता है कि कितना प्रोडक्ट का जरूरत है, और सप्लाई यहाँ प्रोडक्शन साइड से जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कि दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और मिनिमाइजेशन मतलब कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तीन मेथड है। फर्स्ट इज नॉन कस्टमर रूट, सेकेंड वन इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, third one is van method. The full form of van is bogus approximation method. In तीन method में से इस method से, इन तीनों method से हमको initial solution निकाला जा सकता है problem को। कौन से मेथड से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से मेथड से मिलेगा। आउट ऑफ दीज थ्री मेथड्स, नॉर्थवेस्ट, लीस्ट कॉस्ट एंड वैन, द वैन मेथड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। मतलब इसमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन हमको वैन मेथड से ज्यादा आता है ना। ऑल्दो तो सॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द मेथड्स, बट van method is considered to be the closest to the optimal solution. मतलब optimal solution के करीब करीब आता है। So today I am going to discuss about the northwest problem. Northwest problem I am hypothesizing a problem. है ना, कोई imagine करके एक problem बनाना है, ठीक है? 50, 40, 50. See, in a transportation problem, in the format,
the center of the cell, this one, the center of the cell denotes the per unit cost. Per unit cost means, suppose for going from A to B, for going from A to B, for transporting the goods from A to B, the per unit cost for transportation is 6. For example, a chalk banana. ठीक है, चौक बनाना मैं भेज रहा हूँ रायपुर से दूध भेज रहा हूँ, ठीक है, तो एक चौक को भेजने